आप भी थक गए हैं, परेशान हो गए हैं अपने जीवन की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते, परंतु इस रिश्ते में ना कुछ सुलझता हुआ नजर आता है, बल्कि दिन प्रतिदिन चीजें उलझती हुई नजर आती हैं। समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे, कैसे मामला बैठेगा, कैसे दोनों एक साथ रहेंगे, कैसे ही विश्वास की डोर दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये रिश्ता तो अब टूटने के कगार पर है। दो दिनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, बहस बढ़ते जा रहे हैं, अशांति का माहौल है, दुख दुविधा परेशानियां हर तरफ नजर आ रही है। समझाने जाओ पति को तो पति खाने को दौड़ता है, और कहीं कहीं तो कुछ बहनों के साथ मामला ऐसा है कि वो उसका पति उससे बात ही नहीं करता। बात करे तब ना बात बने। बहने मेरी कहती है, दीदी एक बार बात करने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर बड़ा कष्ट होता है मन में। क्या अपने पति से बात करने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है? पति है वो आपका, हस्बैंड है वो आपका, बिल्कुल बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। बातें नहीं बन रही हो तो और बात कीजिए, बातें करते करते बात बनेगी। ये क्या तरीका है कि बात नहीं कर रहा? जितने भी पति हैं जो इस तरह से अपनी पत्नी को किनारे करके रख रहे हैं, उससे बोलना नहीं चाहते, उसके दिल की सुनना नहीं चाहते, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी गलत फहमिया है, एक बार मिलो तो, एक बार जानो तो उसको क्या कष्ट है, एक बार तुम्हें क्या कष्ट है बताओ तो उसको, वो भी सवर जाएंगी, वो भी सुधर जाएंगी। जो गलतियां हो रही है उस पर दोनों काम करो, आपको उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ बात करो और किसी तीसरे को मत बिठाओ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते भी पर्सनल होकर कह रही हूँ, किसी तीसरे को मत बिठाना। जब दोनों बात करो और अपनी अपनी समस्या एक दूसरे के सामने रखो और उसको सुलझाओ, किसी तीसरे को मत बिठाना। खुद की माँ हो क्यों ना हो, खुद की बड़ी समझदार बहन क्यों ना हो, खुद के कितने भी प्यारे भाई क्यों ना हो आपके, मत बिठाना ना लड़की के ना लड़का के। देखो बात बन जाएगी, क्यों? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक पुरुष और एक महिला नहीं हो, तुम दोनों के बीच बड़ा एक मनोहर संबंध है, और ये संबंध से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो जहां अकेले में बैठो, दोनों इस संबंध को मौका देना खिलने का, उभर कर सामने आने का। जब कोई तीसरा आ जाता है ना, तो फिर ये रिश्ता दब जाता है, सभी अपने बोली बोलने लगते हैं। तो यदि आपका पति भी बिल्कुल आपके पहुंच के बाहर है, आपके हाथ के बाहर है, कुछ भी बोलते हो नहीं सुनता, आप पूरब जाने के लिए कहते हो वो पश्चिम जाता है, आप कुछ सोचते हो वो कुछ सोचता है, आप दोनों की पसंद अलग अलग, जुबान अलग अलग, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हो, वो आपको मायके रहने बोलता है, वो ससुराल में भी रहता है आपको, तो वो नहीं रहता है, वो दूर चला जाता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई अन्य नारी का चक्कर तो नहीं, कोई अन्य महिला तो नहीं उसके चक्कर में मुझको पसंद नहीं करता, बात बात पर बहस करता है और बहुत ज़्यादा बहस करता है, अपशब्द बोलता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी कदर नहीं करता, तब आप क्या करें? इस रिश्ते को भला आप कैसे सवारे, इस गुत्थी को आप कैसे सुधारे? घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। मैं कहती हूं केवल एक मोर पंख का उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, केवल एक मोर पंख आपको दाम्पत्य सुख देगा, आपको जीवन में वह अधिकार मिलेगा, आपके ससुराल में वह अधिकार आपको मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। सात फेरे जब आप लेती हैं ससुराल में, प्रथम कदम रखती है, आपकी आरती उतारी जाती है, आपको लक्ष्मी कहा जाता है, आपका दाहिना पैर अंदर लाया जाता है, लेकिन उसके बाद बातों बातों में आपको बता दिया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ किसी चीज पर तुम्हारा हक नहीं है, तुम चली जाओ, तुम यहाँ क्यों रहती हो, तुम मायने नहीं रखती हम लोगों के लिए। इस तरह की बातें बार बार आपको बोली जाती, तो आप भी परेशान हो गए हैं इस रिश्ते को सवारते सवारते। कर लिया आपने अथक प्रयास और कुछ भी नहीं हुआ, तब यह प्रयोग आपके लिए। रिश्ता भी सुधरेगा, सवर जाएगा, वही पति जो चिढ़ता है, दूर दूर सा रहता है, वही केवल तुमसे बात करने को आतुर रहेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे मान सम्मान का ख्याल रखेगा। अकेले में तुमसे तो अच्छे से बात करेगा ही, दूसरों के सामने भी तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे ससुराल में जहां भी सुनोगी तुम्हें तुम्हारी आलोचना नजर नहीं आएगी, केवल सुख ही सुख मिलेगा। कर लीजिए एक छोटा सा अद्भुत मोरपंख का प्रयोग, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी प्लानिंग कर लिया हो इसने अलग होने का, फिर से जुड़ेगा आपसे, फिर से आप ही के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ध्यान से सुनिए, किस दिन करना है? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। शुक्ल पक्ष में ही करना है, कृष्ण पक्ष में ना करें। गुरुवार को ही करना, नहीं कोई दिन नहीं चलेगा। अपने सर से अपने पैर के बिल्कुल तलवे को नाप कर दो धागे काट लें। धागा मौली धागा होना चाहिए, यानी लाल और पीला जो मिला हुआ रहता है। हर घर में होता है मौली धागा जो कलाई पर बांधी जाती है। सर से पैर तक बराबर दो बराबर भाग में एक बढ़िया बढ़िया सुंदर सा, टूटा हुआ नहीं, गंदा नहीं, बढ़िया मोर पंख ले आए। मोर पंख की बाएं पूंछ पर एक धागे को बांध दें, गांठ लगा दें। मोर पंख के मुंह वाले भाग पर दूसरे भाग को बांध दें, यानी मोर पंख जोड़ रहा हो दोनों धागों को, कुछ ऐसा करें। बाएं धागे पर 7 गांठ, दाहिने धागे पर 7 गांठ लगा दें। जब भी एक गांठ लगाए पति का नाम लें। अब देखो ओर और छोर को बांध देना, एक खूबसूरत सी माला तैयार हो जाएगी, है ना? एक ओर छोर तुमने मोर पंख में बांध दिया, दूसरे ओर छोर को आपस में बांध दो। हल्दी और कुमकुम उठाओ और 7 गांठ पर लगा दो, जो पति का नाम लेकर तुमने ये गांठ दिया था। गुरुवार के दिन किसी भी केले के वृक्ष पर, लेकिन अपने घर में ये वृक्ष नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने घर में केले का वृक्ष लगा रखा है, पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें ये प्रयोग नहीं करना है। घर के बाहर कोई भी केला का वृक्ष हो, मंदिर में हो, किसी के आंगन में हो, आप वहां जाएं और केले के वृक्ष पर इस धागे को पहना दें। केले के वृक्ष को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ दें, किसी के पैर पकड़ लेते हैं ना, वैसे पकड़ लेना। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमो नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमो नमः का 11 बार जप करना और अपनी सारी समस्याएं बिल्कुल हिंदी में बोल देना। आप जो भाषा जानते हो, बंगला इंग्लिश जो आप बोलते हो ना, वो भाषा में संपूर्ण बात जैसे पिता को बताते हैं ना, वैसे बता देना उनके चरण पकड़कर। गहरी लंबी सांस लेना, थोड़ा वहीं बैठना, ऐसा मानो कि मैंने अपनी सारी बातें जिसको बता दी हूँ, इस विश्वास के साथ कि वो सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। ये धागा बंधा रहे और साथ में एक शब्द कहना है कि मैं जब बिल्कुल सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मैं इस बंधन से आपको मुक्त कर दूंगी। ऐसा कहकर आप वहां से चले आए। धीरे धीरे परेशानियां खत्म होने लगेंगी, बिल्कुल ये चमत्कार जैसा होगा। अगर आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं सप्ताह भर के भीतर खत्म हो जाती है, 10 दिन के भीतर खत्म हो जाती है, आपको लगने लगेंगे हालात बदलने लगे हैं, कमाल अद्भुत होने लगा, जो सही से बात नहीं करता था वो अब दिन रात आपके पास बैठ रहा है, तो आप जाएंगे उसी केले के वृक्ष के पास और उनको बंधन से मुक्त कर देंगे। और अगर आप पर तुरंत से असर नहीं होता है, तब आप 41 दिनों का इंतजार करेंगे और 41 दिन के बाद जाकर केले के पेड़ को उस बंधन से मुक्त करेंगे, गांठ जाकर खोल देंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।